एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोमवार को सावनेर तहसील कार्यालय की राजस्व सहायक सहित दो लोगों को 55,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जमीन का NATP करने के लिए दोनों ने रिश्वत की मांग की थी। पकड़े गए आरोपियों में राजेंद्र जीवन उबाले और उसके हेल्पर शुभम सुभाष साबले का समावेश है। उसने अपने कामों के लिए शुभम को हेल्पर के तौर पर रखा था। शिकायतकर्ता नागपुर के फरीद नगर में रहते हैं और खेती करते हैं। उनके पिता की सावनेर की मौजा कवड़स में 0.56 हेक्टेयर खेत जमीन है। इसमें से 0.10 हेक्टेयर जमीन का उन्हें व्यावसायिक उपयोग करना था। उनके पिता ने सावनेर तहसील कार्यालय में जमीन का हिस्सा NATP करने के लिए आवेदन दिया था। उनके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई जानने के लिए शिकायतकर्ता उबाले से मिलने गए। उन्होंने शुभम से बात करने को कहा। शुभम ने 0.10 हेक्टेयर जमीन का NATP करवाने की एवज में 60,000 रुपए की मांग की। पीड़ित व्यक्ति ने ACB से शिकायत की। ACB द्वारा शिकायत की छानबीन की गई, जिसमें साफ हो गया कि उबाले और शुभम ने रिश्वत की मांग की है। सोमवार को शिकायतकर्ता दोबारा आरोपियों से मिलने कार्यालय में गए। वहां ACB टीम ने पहले से जाल बिछा कर रखा था। शुभम ने रिश्वत की मांग की। इतने पैसे देने में असमर्थता दिखाने पर शुभम 55,000 रुपए लेने पर मान गया। जैसे ही उसने रिश्वत की रकम ली, ACB की टीम ने दबोच लिया। उबाले के कहने पर ही शुभम ने रकम ली। इससे पर्याप्त सबूत ACB के हाथ लग चुके थे, इसलिए दोनों के खिलाफ सावनेर थाने में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। SP रश्मि नांदेड़कर और एडिशनल SP मिलिंद तोत्रे के मार्गदर्शन में DYSP संदीप जगताप, हेड कांस्टेबल प्रवीण पडोली, कांस्टेबल मंगेश कलंबी, पंकज घोड़के, अनिल बहिरे, हरीश गाजरे, दीपाली भगत और सदानंद सिरसाट ने कार्रवाई को अंजाम दिया। BCN न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडुले की रिपोर्ट।